राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उरी आतंकी हमले पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने आतंकियों के ब्लड सैंपल लिए हैं जो अब जांच के लिए अमेरिका भेजे जाएंगे। इसी के साथ ही मौके से बरामद किए गए जीपीएस सेट भी जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। उरी हमले में 18 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोश में है। शहीद के परिवारों की मांग है कि मोदी सरकार इस हमले का बदला ले। देश को इंतजार है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया जाए। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और अब इस पर सोच समझ कर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ सेना पर हमले के बाद भारत में मातम पसरा हुआ है। हमले में शहादत पाने वाले 18 वीर जवानों को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीदों के परिवारों का हाल बेहाल है। कल भी कई जवानों को अंतिम विदाई दी गई थी। देश के इन जाबाज वीरों की कुर्बानी बर्बाद ना जाए, पूरा देश यही मांग कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है। सभी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। फिलहाल सरकार हर संभव कार्रवाई की तैयारी कर रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।